तो आज हम वेज बिरयानी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आलू, पनीर, मटर, बीन, गाजर, इन सब चीज़ों को फ्राई कर लेना है। एक बड़ी साइज की प्याज फ्राई कर लेना है। नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट 5 चम्मच। मसाले भी हमें चाहिए, दालचीनी बड़ा 3 बड़ी इलायची, छोटी इलायची 5-6, जायत्री, जायफल, जीरा गुंडा छोटी चम्मच, 3 छोटी चम्मच, मिर्च गुंडा 1 छोटी चम्मच। चावल को हमने आधा घंटा भिगो के रखा है जी। हमारा फ्राई हो चुका है, अब कढ़ाई पर तेल डालते हैं। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। और एक मिर्च और जीरा पाउडर है, इसे भी इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से भून लेते हैं। हमारा भून चुका है अच्छी तरह, और इस पर इस सब्जी को ऐड कर देंगे। और जितना सब्जी है उसके अंदाज से नमक डालना। और इसे मिला देना है, और थोड़ी सी गरम मसाला इसमें ऐड कर देना है, और इसे अच्छी तरह मिलाना है, और इसे ढककर 5 मिनट के रख देना है। हमारा पक चुका है, इसे साइड कर देते हैं। एक देगची पर पानी लेना है, और उसमें काली मिर्च लौंग डालना है, और नमक, नमक 1 किलो चावल नमक 3 चम्मच डालना है, और पानी को उबाल आने तक ढक के रख देना है। बॉयल हो चुका है, अब इसे इसमें चावल डाल देना है, और इसे 80% तक पकने देना है। हमारा पक रहा है, अब हम मसाले को ब्रून में मिला देते हैं। ये जो प्याज हमने ब्रून के रखा हुआ है, उस पर थोड़ी सी गुलकोन और जो गरम मसाला था हमने उसे पाउडर कर लिया है, इस पर मिला देना है। चावल हमारा 80% पक चुका है, अब इसे हम छान लेते हैं। पसा लिया है, और इसे दम देते हैं। सबसे पहले इस पर हरी सब्जी डालते हैं, लो मीडियम पर रखें, और इसे ब्रून किया हुआ आधा डाल देंगे इस पर, और चावल को आधा डाल देंगे। बाकी सारे ब्रून को बीच में डाल देना है, ऊपर बाकी चावल को डाल देना है। दूध में हमने 3 बूंद मीठा तल लिया था, उसे इस पर डाल देना है, और आखिरी में कलर, और इसे 2-3 मिनट के लिए दम में डाल देना है। कलर के ऊपर थोड़ा सा तेल, और इसे ये जो पसाया हुआ पानी है उसको उसके ऊपर दम दे देना है, 2-3 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। हमारा वेज बिरयानी तैयार है, अब इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। फाइनली हमारा वेज बिरयानी तैयार है। आप चाहें तो दाल या दही के साथ भी खा सकते हैं, इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना। जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ऑन कर देना, और इस वीडियो को एक लाइक कर देना।